रहमान रहीम। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। ये एएसएफ के पास्ट पेपर से लिया गया है ये एमसीक्यूज, और आने वाला जो दिसंबर 21 दिसंबर को टेस्ट कंडक्ट होने वाले ये वीडियो उसके लिए बिल्कुल अहम है। सर सैयद अहमद खान वाज बरन ऑन अक्टूबर 17, 1817 दिल्ली में पैदा हुए थे, और इसका इंतकाल 27 मार्च 1898 में इंतकाल कर गए, और ये प्लेस जो था दिल्ली इंडिया में पैदा हुए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, द गार्डियन न्यूज़पेपर बिलोंग टू विच कंट्री? गार्डियन न्यूज़पेपर किस मुल्क से उसका ताल्लुक है? यूके, यूनाइटेड किंगडम से इसका ताल्लुक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक पाकिस्तान ए हार्ड कंट्री? पाकिस्तान ए हार्ड कंट्री इसके इस बुक के जो मुसनफ है एनाटोल लेवन है, और एनाटोल लेवन जो है उन्होंने पब्लिश किया था 2011 में, और उसका ताल्लुक यूनाइटेड किंगडम से है, बरतानिया से है, यूके से। और इसी तरह जो है हु इंस्टॉल द चेन ऑफ जस्टिस? चेन ऑफ जस्टिस किसने इंस्टॉल किया था? जहांगीर खान, जहांगीर ने इसको इंस्टॉल किया था चेन ऑफ जस्टिस को। विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड? दूसरे नंबर पर जो सबसे बड़ा सतह मरतफा है दोसाई, ये गिलगित जीपी यानी गिलगित बल्तिस्तान में ये वाक़ है। गुलाब सिंह परचेस्ट कश्मीर फ्राम द ब्रिटिश फॉर जस्ट? गुलाब सिंह ने कश्मीर खरीदा था बरतानिया के लोगों से 75 लाख में, RS 75 लाख में उन्होंने खरीदा था। ये 1846 में उन्होंने गुलाब सिंह ने कश्मीर बरतानिया के लोगों से ब्रिटिश से खरीदा था। ये आप वेन मोहम्मद बिन कासिम कंकर्ड सिंध? कब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को फतह किया था? 712 ईडी में। और हु वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? पहले सदर इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन थे? उमेश चंद्र। और इसी तरह जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है 1885 में इसकी बुनियाद रखी गई, और इसी तरह जो हु कंपोज द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान? किसने कंपोज किया था नेशनल एंथम, कौमी तराना? अहमद गुलाम अली चागला ने इसको कंपोज किया था। विच इज़ द लार्जेस्ट फोर्ट ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा छावनी है रानी कोट फोर्ट है, ये सिंध में वाक़ है। सारे मालूम आप लोगों ने नोट कर लेने हैं। अल हिलाल न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय? अल हिलाल न्यूज़पेपर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने इसको स्टार्ट किया था। वेयर इज मीनार पाकिस्तान सिचुएटेड? मीनार पाकिस्तान इकबाल पार्क में वाक़ है। और विंटर ओलंपिक गेम 2022 हेल्ड इन विच कंट्री? विंटर ओलंपिक 2022 किस मुल्क में खेले गए, हेल्ड किए गए? चाइना में। इसमें पार्टिसिपेंट 91 कंट्रीज थे। और इसी तरह नेक्स्ट जो होगा वो 2024 में होगा पेरिस में। हाउ मेनी सीट आर रिजर्व फॉर वीमेन इन नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान? कितने सीट थे वीमेन के लिए, खवातीन के लिए नेशनल असम्बली में? 60 सीट फॉर वीमेन। विच यानी जो सीट रिजर्व थे वीमेन के लिए वो 60 सीट थे। और इसी तरह जो है विच पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट एस्टेब्लिश द पॉपुलर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? पॉपुलर जो है ह्यूमन इंडेक्स किस इकोनॉमिस्ट ने मुतारफ़ कराया था? महबूबुल हक। ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ये वर्ल्ड बैंक में इसको इस्तेमाल किया जाता है। विच कंट्री वॉज बिहाइंड द आइडिया ऑफ सार्क? आइडिया ऑफ सार्क यानी सार्क के पीछे किसका आइडिया है? बांग्लादेश का। ये ऑर्गेनाइजेशन है ढाका में, ये 8 दिसंबर 1985 में इसकी बुनियाद रखी, और इसका जो सेक्रेटरीट है काठमांडू नेपाल में है, और इसका जो फाउंडर थे यानी साउथ इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, और इसके जो फाउंडर थे वो उसका नाम ज़ियाउर्रहमान थे जो सार के फाउंडर थे। विच माउंटेन रेंज सेपरेट पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान? हिंदू कुश जो सिलसिला है वो सेपरेट करता है पाकिस्तान को अफगानिस्तान से। आसियान स्टैंड फॉर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस? ये आसियान में पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है, ये आप लोगों ने नोट कर लेना है। द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ AI का जो करेक्ट फॉर्म है वो क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। URL स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। IP स्टैंड फॉर IP एब्रिविएशन इंटरनेट प्रोटोकॉल। और इसी तरह जो है व्हाट इज लैंडस्केप? लैंडस्केप क्या है? पेज ओरिएंटेशन है।
who was the second governor general of Pakistan? Sir خواجہ نظم الدین پہلے جو تھے قائد اعظم تھے تیسرے نمبر پر سر غلام محمد تھے اور اس کے بعد سکندر مرزا اور یہ بھی یاد رہے کہ سکندر مرزا پاکستان کے پہلے پریزیڈنٹ تھے یہ سوال بار بار ریپیٹڈ ہیں پاسٹ پیپر میں دا اسمالسٹ سی آف دا ورلڈ از بالٹک سی جو سب سے چھوٹا دنیا کا سی ہے وہ بالٹک سی ہے سمندر ہیں وہ انوینٹر ریڈیو مارکونی اٹالین انوینٹر تھا 1895 میں ریڈیو کو انوینٹ کیا تھا باراک اوباما وون ویچ نوبل پرائز باراک اوباما نے کون سا پرائز جیتا تھا پیس باراک اوباما کون تھے یہ 2009 میں انہوں نے جیتا تھا اور یہ 44ویں پریزیڈنٹ تھے یو ایس کے 2009 سے لے کر 2017 تک اور اسی طرح جو ہے ہوا دا فورتھ پرائم منسٹر آف پاکستان پاکستان کے چوتھے نمبر پر پرائم منسٹر وزیر اعظم کون تھے چودھری محمد علی پہلے نمبر پر یاقت علی خان تھے دوسرا نمبر پر خواجہ نظم الدین تھے اور تیسرے نمبر پر محمد علی بوگرہ تھے یہ بھی آپ لوگوں نے نوٹ کر لینے ہاؤ مینی امپائر ان کرکٹ ٹو امپائر ہوتے ہیں کرکٹ میں سکس پوائنٹ آف شیخ مجیب الرحمان واز پریزنٹڈ ان ویچ ایئر سکس پوائنٹ آف شیخ مجیب الرحمان واز پریزنٹڈ ان ویچ ایئر 1966 میں انہوں نے پیش کیے تھے ویچ کنگ آف انگلینڈ واز فورس ٹو سائن دا مگنا کارٹا کس کنگ نے مگنا کارٹا پر سائن کیا تھا کنگ جان نے یہ مگنا کارٹا انگلش گریٹ چارٹر تھا اسی طرح جو دا بک نو ہائر ہانر واز ریٹن بائی یہ کونڈیلیزا رائس نے ان کو تحریر کیا تھا 2011 میں اور اسی طرح جو ہے وچ انسٹرومنٹ از یوز ٹو میجر آکسیجن لیول آف دا بلڈ اس کے لیے آکسیمیٹر ہے آکسیمیٹر استعمال ہوتا ہے وٹ از دا نمبر آف پلیئر ان گیم آف واٹر پولو واٹر پولو میں پلیئر کی تعداد 7 ہے اور اسی طرح کرکٹ میں 11 ہے فٹ بال میں 11 ہے اور ہاکی میں یہ تینوں میں 11 کے 11 کھلاڑی ہوتے ہیں اور واٹر پولو میں 7 ہوتے ہیں وچ کنٹریز کال لینڈ آف پروفیٹ پیغمبروں کی سرزمین کس کو کہتے ہیں فلسطین کو یعنی فلسطین کو کہتے ہیں کرنسی آف سری لنکا روپیے وچ از یوزڈ ایز اے نیوکلیئر فیول ان نیوکلیئر ریئیکٹر نیوکلیئر فیول نیوکلیئر ریئیکٹر میں کیا ہوتا ہے یورینیم نیکسٹ کوشچن ہو از دا نیشنل پوئٹ آف پاکستان قومی شاعر پاکستان کے محمد اقبال جمائکا از ان وچ کنٹیننٹ جمائکا کس بر اعظم میں ہے نارتھ امریکہ میں اور یہ ملک ہیں اس کو آئی لینڈ کنٹری بھی کہتے ہیں جمائکا کو آدر نیم آف چولستان کیا ہے روئی اور سدرن پوائنٹ آف پنجاب میں یہ واقعہ ہے ایل این اسٹینڈ فار لوکل ایریا نیٹورک لوکل ایریا نیٹورک مہم وین محمد اقبال وین علامہ اقبال ڈائٹ 21 اپریل 1938 کو برن یعنی پیدا ہوئے تھے 9 نومبر 1877 سیالکوٹ میں فادر کا نام جو تھا اس کے والد کا نام نور محمد ماں کا نام امام بی بی اور انہوں نے پی ایچ ڈی جرمنی سے حاصل کی ایل ایسی پیلس از دا آفیشیل ریزیڈینس آف دا پریزیڈنٹ آف وچ کنٹری فرانس یعنی جو پانچ آنکھیں ہیں وہ کس کے ہیں وہ شہد کی مکھی کے ہیں یہ آپ لوگ دو جو ہو روٹ سپین اے بریف ہسٹری آف ہیومن کائنڈ یوول نور ہراری یہ پبلش کیا تھا 2011 میں اور اس کا تعلق اسرائیل سے ہے فاٹا کو مرچ کیا تھا کپی کے میں 25ویں ترمیم کے تحت اور یہ 25ویں ترمیم مائی 2018 میں کرائی گئی ہے یہ آپ لوگوں نے سارے ایم سی کیوز کو نوٹ کر لینا ہے اور واٹ از دا فل فارم آف سی پی یو سی پی یو کا جو فل فارم ہے سینٹرل پروسیسنگ یونٹ ہے وچ از ریگارڈیڈ ایز نیشنل فلاور آف پاکستان پاکستان کا جو نیشنل فلاور ہے کس وہ چنبیلی ہے جاسمین ہے ڈیفیشنسی آف آئرن ان ہیومن باڈی کازز اینیمیا خون کی کمی کی وجہ سے اینیمیا ہوتی ہے دا اپر ہاؤس آف برٹش پارلیمنٹ اس کو ہاؤس آف لارڈ کہتے ہیں اور اس ہاؤس آف لارڈ میں جو تعداد ہیں وہ 767 سیٹ ہوتے ہیں اپر ہاؤس آف
ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो ऑफिस ऑफ लॉर्ड जिसको कहते हैं उसमें तादाद 767 है। आगा खान यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश इन 1983 में आगा खान यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी गई। विच पाकिस्तानी अवार्ड वाज गिवन टू बिल गेट, कौन सा पाकिस्तानी अवार्ड दिया गया बिल गेट को? हिलाले पाकिस्तान। कायद आजम सोलर पार्क इज लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ पाकिस्तान? कायद आजम सोलर पार्क पाकिस्तान के किस शहर में वाक़ है? बहावलपुर। इसी तरह जो है यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP27 इज बीइंग हेल्ड इन विच सिटी? शर्मुल शेख। इसमें प्रेसिडेंट थे इजिप्ट के, प्राइम मिनिस्टर थे नॉर्वे के और प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान में जॉइंटली। उन्होंने कल 6 नवंबर को उन्होंने सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एंटोनियो गुटेरेस अराइव पाकिस्तान इन सितंबर 2022 में। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने पाकिस्तान का दौरा किया था 2008 से लेकर 2013 तक। जो पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे वो आसिफ अली जरदारी थे। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट जो है पॉपुलेशन के लिहाज से, आबादी के लिहाज से वो एशिया है और रकबे के लिहाज से भी एशिया है। ये आप लोगों ने नोट कर लेना है कि रकबे के साथ साथ आबादी के लिहाज से भी एशिया है। लायर जो मोमेंट था ये 2007 से लेकर 8 तक एतजाज हसन इसकी क़यादत कर रहे थे। 18th अमेंडमेंट जो है प्रोवाइड करता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को और ये 2010 में उसको पास किया गया था 18वीं तरमीम को। द न्यू स्टार्ट ट्रीटी वाज साइंड, न्यू स्टार्ट ट्रीटी किस रशिया और यूएसए के दरमियान ये 2010 में इस पर साइन किए गए हैं। और इस तरह जो है फिडल कैस्ट्रो, कैस्ट्रो जो तालक किस मुल्क से? कुबा से। ये रिवोल्यूशनरी था और इसका इंतकाल 2016 में हुआ। और इसी तरह पुलिटिसर प्राइज जो है, पुलिटिजर प्राइज ये अमेरिकन अवार्ड है, किस फील्ड में दिया जाता है? जर्नलिज्म में ये दिया जाता है। और इसी तरह जो है खुशहाल खान खट्टक जो वाज अ पोइट ऑफ विच लैंग्वेज, पश्तो लैंग्वेज के शायर थे खुशहाल खान खट्टक। और इसी तरह जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्तो का जो कौमी शायर है इसको भी खुशहाल खान खट्टक कहेंगे। एशिया इस सेपरेट किया जाता है कौन से? ओरल माउंटेन एशिया सेपरेट करता है। और इसी तरह जो है हो रोड द बुक मेकिंग ऑफ पाकिस्तान के अजीज़, यानी इसको खुर्शीद कमाल अजीज़ के अजीज़ का एब्रिविएशन ये 1967 में उन्होंने इशू किया था। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी? 93 मीटर है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का। ये गिफ्ट किया था यूएसए को 1886 में फ्रांस ने और इसका लोकेशन न्यूयॉर्क में है। पाकिस्तान ने कितने गोल्ड मेडल विन किए 2022 में? 8, यानी गोल्ड में 2, सिल्वर में 3, ब्रोंजी में 3 और टोटल मेडल हो गए 8। ये परफॉर्मेंस है पाकिस्तान का कॉमनवेल्थ गेम में। विच कंट्रीज कॉल्ड लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन? थंडर ड्रैगन किस मुल्क को कहते हैं? भूटान को। और इसमें नगोल्ड, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ जॉर्डन? जॉर्डन का जो कैपिटल है वो अमान है। करेंसी दिनार है। लैंग्वेज अरेबिक है। कॉन्टिनेंट एशिया में वाक़ है। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ स्पेन? स्पेन का जो कैपिटल है वो मैड्रिड है। करेंसी यूरो है। लैंग्वेज स्पेनिश।